अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी के विपरीत स्थित है। दो त्रिभुज एबीसी, तो आधार बीसी ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर ए या डी जिसको भी रखना चाहे हम रख सकते हैं, ऊपर ए रख लेते हैं नीचे डी रख। तो सिद्ध कीजिए क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर आपको क्या दे दिया है, दे दिया है, क्वेश्चन ही क्या दे दिया है कि एबीसी और डीबीसी का एरिया क्या है, बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि बीसी जो रेखाखंड है वो एडी को समद्विभाजित करेगी, एडी को क्या करेगी, समद्विभाजित, इसे हम क्या करें, इसे हम कुछ नाम देते हैं ई। तो जिस तरह से आप शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा, लेट मी क्लियर, चेक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन नंबर जिस तरह से 21 देखे थे उसी का एक तरह से विपरीत है, ठीक है। उसमें आपको क्या दे दिया था कि ए बराबर डी था, ठीक है, और क्या कह रहा था, आपको पूछ रहा था कि इसका और मतलब इसका और इसका एरिया बराबर हो गया। चलिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो उलट के बना सकते हैं और एक क्या कर रहे हैं, दोनों को लंबाई मान लेते हैं, उसके बाद फिर सर्वांश प्रूफ करेंगे। तो दोनों मेथड से देख लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उसी से आप बना लेते। तो ये सबसे पहले हम किसमें चलते हैं, आपको क्या दे दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी, ठीक है। चलिए तो जब ये दोनों बराबर है इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें ध्यान से, यदि ये दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है, तो इसमें आधार तो दोनों का सेम ही है, बीसी और बीसी, तो दोनों का ऊंचाई क्या होगा, वो भी इक्वल होना चाहिए, मान लेते हैं इसका एक ऊंचाई दे देते हैं, क्या नाम देते हैं पी, और एक इसका दे देते हैं, इसका क्या देते हैं ए। चलिए हम लिखे, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी, इसमें क्या हो जाएगा, यदि हम इसका एक्चुअल में एरिया निकालना चाहते हैं क्या हम लिखेंगे एबीसी में, 1/2 गुना एन गुना बीसी, और डीबीसी में क्या लिखेंगे, 1/2 गुना डीपी गुना बीसी, बीसी से बीसी कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, यहां से क्या आ जाएगा एन बराबर डीपी, ठीक है। तो यदि एन बराबर डीपी आ गया, एन बराबर क्या आ गया डीपी आ गया, चलिए तो हम ट्रायंगल किसमें करते हैं, ट्रायंगल ए ई एन में, ट्रायंगल ए ई एन एंड ट्रायंगल डी ई पी, ट्रायंगल डी ई पी में एक चीज क्या आपको पता है, एन बराबर क्या है डीपी है, ठीक है, चलिए। और दूसरा चीज आपको क्या पता चल गया, एन बराबर क्या आ गया डीपी आ गया, और दूसरा चीज आपको क्या पता है, ए भी 90 ए भी 90, तो इसका एंगल एक ही है, क्या हो जाएगा एंगल ए एन ई, एंगल ए एन ई बराबर हो जाएगा एंगल डीपी, एंगल डी पी ई बराबर क्या 90 डिग्री। और तीसरा क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है, ए इसका क्या है समूह कोण है, इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई एन, एंगल ए ई एन बराबर हो जाएगा एंगल डी पी, एंगल डी ई पी, तुम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो जाएगा सर्वांशम हो जाएगा, तो ट्रायंगल ए ई एन सर्वांशम हो जाएगा ट्रायंगल डी ई पी के, जब ये दोनों सर्वांशम हो जाते क्या हो जाएगा, इसका सारे संगत भुजा बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर, इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा, यदि डी के सामने हम चले तो डी के क्या हो जाएगा ईपी, और ए कैसे चले तो क्या हो जाएगा ई एन, ईपी बराबर क्या आ गया ई एन आ गया, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, यदि हम एंगल एन के लेकर चले तो क्या हो जाएगा, एन में क्या हो जाएगा यहां पर ए
और इसमें पीछ से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा ए बराबर डी। ठीक है, तो हमसे दो चीज आ गया बराबर, तो हमें क्या पता प्रूफ करना था सिर्फ ए बराबर डी ही ना। तो जैसे ही ए बराबर डी आ गया मिडिल पॉइंट हो गया ना, क्योंकि ए बराबर डी है इसमें क्या हो जाएगा ई मिडिल पॉइंट है इसका ए। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना। चलिए यदि हम इसमें दूसरा मेथड से चल रहे तो इसमें हम दूसरा मेथड से क्या चल कैसे चल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें दूसरा मेथड से चलने के लिए आपको दो चीज चाहिए। क्या आपको क्या पता है कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है बराबर है। ऐसा कब किस केस में होता है, जो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल क्या है सर्वांगसम। इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल बी बी सी के। ठीक है, तो जैसे ही सर्वांगसम हो गए ये दोनों ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा इसके सारे संगत हो जाए संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एबीसी में ए के सामने क्या है इसमें तो बीसी बीसी दोनों में मैं निश्चित हूं तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है बी के सामने कौन सा राइट सॉरी एस सी बराबर हो जाएगा इसमें बी के सामने किस कौन आ रहा था इसे क्या नाम लेते हैं डी ना डी इसमें क्या हो जाएगा सीडी तो एस सी बराबर क्या हो जाएगा सीडी एस सी बराबर क्या गया सीडी और क्या हो जाएगा एबी बराबर बीडी। ठीक है, एस सी बराबर क्या गया सीडी और एबी बराबर क्या गया बीडी। ठीक है, और एंगल जो दोनों बराबर होंगे कौन कौन एंगल एबीसी बराबर होगा किसके डीबीसी के और एंगल एसीबी बराबर होगा एंगल डीसीबी के। ठीक है, चलिए यहां से क्या आ गया ए एंगल इसके बराबर और ए एंगल इसके बराबर एसआई इसके बराबर। ठीक है, चलिए तो अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं डी ई सी एंड ए सी में ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल ए ई सी तो ये दोनों में देखेंगे तो आपको क्या पता है कि एंगल डी सी बी एंगल डी सी बी बराबर है एंगल ए सी बी के इसी बराबर इसी दोनों में क्या है वह निष्ठ है और तीसरा क्या हो जाएगा एस सी बराबर सीटी। ठीक है, तो क्या हो गया अभी कंफ्यूज मत होइए कि डीसीबी और एसीबी में ये एंगल ना तो अब यहां पर ध्यान से देखिए डीसीबी डीसीबी लाइन पर ही ई आ रहा है। ठीक है, तो एंगल से मतलब अब ये अभी आगे यहां तक जाएगा उससे तो इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको फर्क पड़ेगा क्या हो जाएगा साइड साइड एंगल से यानी क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे डीसी और एबीसी तो त्रिभुज डी ई सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ई तो जैसे ही सर्वांगसम हुए तो क्या हो जाएगा इसके सारे संगत भुजा संगत कोण बराबर होंगे वगैरह वगैरह और दूसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाएगा कि दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया बराबर होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई। ठीक है, यहां से क्या आ गया इसका और इसका एरिया बराबर है। ओके, चलिए जैसे ही एरिया बराबर आ गया तो यहां पर हम कह सकते हैं ना क्या कि ए डी सी का ध्यान से देखिए ए इसका और इसका एरिया बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी का इससे क्या है मिडिल पॉइंट है। ठीक है, आप जानते हैं कि मिडिल पॉइंट कोई त्रिभुज की माध्यिका जो है उस त्रिभुज के दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांट देती है। ठीक है, यहां पर इससे क्या कर रहा है इसे दो बराबर भागों वाले क्षेत्रफल में क्या कर रहा है बांट दे रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि इसी या ई डाल दीजिए ई मिडिल पॉइंट है ई मिडिल पॉइंट है किसका एडी का ई क्या है मिडिल पॉइंट है एडी का तभी तो एडी का मिडिल पॉइंट है तभी तो इसको दो बराबर हम बांट रहे हैं ई एडी का मिडिल पॉइंट किसने क्या हो जाएगा ए बराबर। ठीक है,
तो इस मेथड पे ही आप चले, ठीक है। अब जिस मेथड से बनाना चाहे आप बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया।